हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज है डे टू और हम जा रहे हैं विजिटिंग के लिए। जो सारे माउंट आबू में पॉइंट है विजिटिंग के, तो सबसे पहले हम पहुंचे थे सोमनाथ महादेव मंदिर। चलिए दिखाते हैं आपको मंदिर का अंदर से व्यू। मंदिर बहुत ही शांत, सुंदर और साफ सुथरा मंदिर था। और मंदिर के पास ही था एक छोटा सा तालाब जिसमें खूब सारी मछलियाँ थी। ये देखिए तालाब, यहाँ पे लोग मछलियों को आटा खिला रहे थे, काफी मछलियाँ थी। और ये है मंदिर का अंदर का व्यू। ये जो मंदिर का मेन पार्ट है वहाँ का है सब शिवलिंग, और ये सब तांडव के बारे में लिखा हुआ था। और इसके आगे जो परिक्रमा करते हैं उसी में ये 9 अलग अलग शिवलिंग बने हुए थे। और यहाँ पे अलग अलग भगवान की मूर्तियाँ भी थी। ये देखिए सारे शिवलिंग एक लाइन से बने हुए हैं। मंदिर के बाद हम पहुंचे गुरु शिखर, जो कि टॉप है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है वहां पे। और यहाँ पे चढ़ने में बहुत हालत खराब हुई, इसलिए मैंने वो सूट नहीं किया, डायरेक्ट ऊपर आके ही ऊपर का व्यू ही कैप्चर किया। क्योंकि गुरु शिखर आने के लिए काफी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है ऊपर भी। तो ये इसका व्यू है पूरा ऊपर से। ये जो है कोई कैंप है गवर्नमेंट का, उनका कैंपस बना हुआ है वहाँ पे। और इस साइड ये देखिए पूरा दिख रहा है, सबसे ऊंची चोटी है तो सब बादल बादल नीचे दिखते हैं। बारिश में यहाँ मौसम काफ़ी अच्छा होता है। उसके बाद हम गए शूटिंग पॉइंट पे, जहाँ काफ़ी लोग फोटो शूट वीडियोस वगैरह ले रहे थे। यहाँ से भी वही नज़ारा दिखता है सिटी का, पूरा देख सकते हैं आप। ये देखिए नीचे तालाब वगैरह और सिटी दिखती है पूरी। ये देखे मुझे कुछ कैक्टस, कैक्टस को मारवाड़ी में क्या कहते हैं। अब हम चले गए थे उसके बाद अचलेश्वर महादेव मंदिर, जो मंदिर काफी अंदर है। बाहर सारी ये शॉप है बहुत ही प्यारी प्यारी, इवन मंदिर के एंटर पे भी बहुत सारी शॉप है। ये मंदिर का गेट है। इसके बाद मंदिर के गेट के अंदर भी बहुत सारी शॉप थी, ये देखिए इस तरीके से। और इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ शिवलिंग की नहीं, शिव जी के अंगूठे की पूजा होती है। ये हमें वहाँ के पंडित जी ने बताया था। और ये मंदिर बहुत ही पुराना है। और ये जो नंदी है ये पंच धातु का बना हुआ है। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं था तो वो मैं शूट नहीं कर पाई। और ये मंदिर के चारों तरफ बाहर छोटे छोटे और मंदिर बने हुए थे, और ये शिवलिंग थे अलग अलग बने हुए यहाँ पे। तो ये सब आप देख सकते हैं इसमें। इन पे कोई विशेष नाम नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ शिवलिंग रखे हुए थे और ये छोटे मंदिर बने हुए थे। इनमें भी शिवलिंग ही थे, मतलब सब महादेव जी के अलग अलग जो रूप है उन सबको यहाँ दिखाया गया था। बहुत ही पुराना मंदिर है आप देख सकते हैं। और ये जो धातु से बना हुआ नंदी है ये भी उसी टाइम का है। जैसा कि हम दिलवाड़ा पहुंच चुके हैं और यहाँ पे बिल्कुल एक अच्छा नया सेटअप है क्या खाओगे करके। तो आप अगर माउंट आबू आ रहे हैं कभी भी तो आप यहाँ के स्पेशल चीजें हैं जो ट्राई कर सकते हैं। हम आपको मेनू में दिखा देते हैं, इनसे बात करवाते हैं। क्या खाया है आपने अभी जी? बुलेट पिज़्ज़ा। ओके, कैसा टेस्ट, कैसा लगा आपको? क्या हमारी ऑडियंस या माउंट आबू आती है तो उन्हें आना चाहिए? टेस्ट अच्छा है, न्यू सेटअप है, टेस्ट अच्छा। और ये बिल्कुल नजदीक है जी, ये जो श्रीनाथ रेस्टोरेंट आपको दिख रहा है, सीजी रेस्टोरेंट, उसके बिल्कुल इस तरफ है। क्या खाऊंगे नाम से है। और मैं आपको अंदर से एक बार टूर वॉक दे देता हूँ। यहाँ का मेनू आप आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत ही इकोनॉमिक रेट्स में बहुत सारी वैरायटी और रेंज इनके पास है। बाहर आप चाय का आनंद उठा सकते हैं। तो मैं आपको बाहर से कंप्लीट सेटअप दिखा देता हूँ एक बार दूर जाकर। हमें लगी भूख तो हम आए चाउमीन खाने। नूडल्स के बाद हमने लिया कुल्हड़ पिज्जा, और देख सकते हैं इसमें कितना भर भर के पीस था। और कुल्हड़ पिज्जा टेस्ट में बहुत अच्छा था। उसके बाद आया हमारा एक सैंडविच, सैंडविच भी बहुत बढ़िया था, चीजी चीजी सा था बिल्कुल। और लास्ट में ली हमने वेफल चाट।